وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن إماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا فقال أتدرون من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد ایک لمبی کوشش اور جدوجہد کے بعد یہ پروگرام آج کا یہ دن یہاں طے پایا. اور آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ بہترین موقع مجھے نصیب ہوا. آج دو جگہوں سے دو آیات کی تلاوت کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری آیت ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ.
अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर मज़हब। भाई अब आप लोग उसको संभालिए, इतना डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। जब बिल्कुल ठीक हो जाए तब बता दीजिएगा। और मुझे एक दूसरी जगह भी जाना है, मैं 7:30 बजे से आगे नहीं बोल पाऊंगा। मेरा एक दूसरी जगह भी प्रोग्राम है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं ना। लाउड स्पीकर से मतलब नहीं है, पब्लिक भी तो देखने के सामने है। आज कोई खतीब की हैसियत से लंबा चौड़ा खुतबा दूंगा। 3 बजे से मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आज, और जितनी तकलीफ़ और परेशानी आज मुझे हुई है इतने दिनों में अब तक नहीं हुई। मैं आपसे भी ये चाहूँगा कि मुझे, मेरे लिए भी अपनी मखसूस दुआओं में मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत कामिला और आजला अता फरमाए, और उसके साथ जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह उन सब को सेहत कामिला और आजला अता फरमाए। मैं एक दर्स हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इसी आयत से ताल्लुक रखता है। मुझे अभी कागजी बाजार की तरफ भी जाना है, उधर भी एक दूसरा प्रोग्राम है इशा के बाद। हदीस के रावी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस मुत्तफकुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर यह हदीस, दोनों ही शेखैन ने इस हदीस को दर्ज किया है। इमाम बुखारी इस हदीस को किताब तौहीद में लाए हैं और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताब ईमान में लाए हैं। हदीस के अल्फाज हैं, वान उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام। आयत भी मैंने पढ़ी, इन दीन عند الله الاسلام, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, हमारे इर्द गिर्द कई सहाबा थे। नबी अकरम के इर्द गिर्द कई सहाबा थे, मैं भी उनमें मौजूद था कि अचानक क्या देखता हूँ, इस्तला अलैना रजुलुन, एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, तला नमूदार हुआ, चमका, दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, शदीद बयाज सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद पहने हुए था, वह शदीद सवाद शार, और उसके बाल बहुत ही ज्यादा काले थे, कपड़े इंतहाई सफेद, बाल इंतहाई काले। ला यूरा अलैहि असर उस सफर, सफर का कोई निशान उसके जिस्म पर नजर नहीं आ रहा, सफर का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वला यारिफु मिन्ना अहद, और हम में से कोई आदमी उसको जानता भी नहीं था, यानी हमारी बस्ती का नहीं था वो कोई दूर से का रहने वाला था। लेकिन अगर वो दूर से आया होता तो सफर के निशानात उसके कपड़ों पर जाहिर नुमाया होना चाहिए थे। एक मुसाफिर की सफर में क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन भी नहीं थी, कपड़े सफेद थे, बाल काले थे, चेहरा साफो शफाफ था, कोई परागंदा चेहरा नहीं था, मिट्टी और धूल आपके चेहरे पर छाई हुई नहीं थी, और हम में से कोई जानता भी नहीं था, यानी मेरे इलाके का भी रहने वाला नहीं था। अत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि वो आया
और सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया। और उसके बैठने की स्टाइल पास नदा रुकबतई ही ला रुकबतई, अपने दोनों घुटनों को उसने अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से मिला लिया, जैसे अत्तहियात में बैठा जाता वैसे अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे, ये आया और इसने भी अत्तहियात की तरह ये बैठ गया और अपने घुटनों को अल्लाह के नबी के घुटनों से मिला लिया। असनदा यूसने तो इसनाद टेक लगाना, टिका दिया इसने अपने घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लिया, जोड़ दिया। वज़ा कफ़ही अला फ़ख़िज़ै, और अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अल्लाह के रसूल की दोनों रान पर रख लिया, ऐसे यूं बैठ गए। और इस तरीके से बैठने के बाद कहता है या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, यानी उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट नाम लिया उसने, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में खबर दो कि इस्लाम किसे कहते हैं, ये इस्लाम है क्या, इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया। قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله, اسلام اسے کہتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ان تشهد ان لا اله الا الله, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وان محمد الرسول اللہ, اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مشکل کشا تصور کرنا یہ شرک فی التوحید کہلاتا ہے, اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد, نبی اکرم کی نبوت کے بعد, نبی اکرم کی کرسی پر کسی دوسرے کو بٹھانا اور فائز کر دینا یہ شرک بالرسالت کہلاتا ہے. عبادت اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں, اور اطاعت محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں. یا یہ کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی, بس یہ دو ہی چیزیں اسلام ہیں. اس کو جس نے سمجھ لیا وہ اسلام کو سمجھ گیا. من یعبد, عبادت کس کی اور عبادت کیسی, صرف اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ نے یہ دیا, عبادت اللہ کی. عبادت کیسی, عبادت ویسی جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی, بس یہی دو چیزیں ہیں اسلام. عبادت کس کی, اللہ کی. عبادت کیسی, جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی. پہلی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سائل کو جو سوال کر رہا, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کسے کہتے, فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی تو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وان محمد الرسول اللہ, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں, یہ مطلب یہ ہوا کہ من حیث الرسول آپ نے جو باتیں دی ہیں وہ آپ فوراً لے لیجئے, اس کو چھوڑنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت اللہ کی اور عبادت کس طریقے پر, نماز ظہر میں کتنی, بہت سے بھائی 12 پڑھتے ہیں, کوئی 10 پڑھتا ہے,
वो कहते हैं चार सुन्नत चार फर्ज दो सुन्नत दो नफिल, मगरिब में आ जाइए तीन फर्ज दो सुन्नत दो नफिल, ईशा में आ जाइए चार सुन्नत चार फर्ज दो सुन्नत दो नफिल, तीन वित्र फिर दो सुन्नत फिर दो नफिल, यानी सत्रह। जबकि नवाफिल की कोई तादाद मुतय्यन करना अपनी तरफ से यह शरीयत के अंदर एक नई चीज की इजाद है। चार सुन्नत चार फर्ज दो सुन्नत यह है, शरीयत से साबित है, हदीस से साबित है जुहर में, लेकिन इसके बाद कहना कि दो नफिल, नवाफिल को मुतय्यन करना यह इंसान की अपनी तरफ से ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश है। जबकि नवाफिल की तादाद मुतय्यन नहीं है, आपको जितनी नवाफिल पढ़ना हो पढ़िए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। दो ही क्यों पढ़ते हो, 2000 पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। नवाफिल को अपनी तरफ से मुतय्यन नहीं किया जा सकता है, नवाफिल की कोई नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब नवाफिल के जरिए होता है, अपनी तरफ से नहीं। या इसी तरीके से फर्ज नमाज खड़े होकर, सुन्नत भी खड़े होकर, नफिल नमाज बैठकर, यह भी अपनी तरफ से ईजाद है। जबकि शरीयत यह हुक्म देती है हमें कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, लेट के ना हो तो इशारे से पढ़ो। शरीयत ने हमें यह नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल ने कि फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ो और नफिल बैठ के पढ़ो। ये हमने अपनी तरफ से क्वालिटी और कैटेगरीज निकाली है नमाज की। وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, अगर मेरे नबी ने अपनी तरफ से कुछ कह दिया होता तो मैं उसको भी दाहिने हाथ से पकड़ लेता, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, और अपनी तरफ से कह देने के जुर्म में अपने नबी की भी मैं गर्दन काट डालता। नबी अगर अपनी तरफ से कोई बात दीन में शामिल कर दे तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसकी भी गर्दन काट डालता। इन मुल्ला मौलवियों का क्या होगा जो दीन के अंदर अपनी तरफ से नई नई चीजें डाल रहे हैं, नबी डाल दे तो उसकी गर्दन अल्लाह काट डाले, हम जैसे मुल्ला मौलवियों का क्या होगा। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़ादहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर किसी बात की निस्बत मेरी तरफ की है और झूठ गढ़ा है मेरे ऊपर हालांकि वो चीज मैंने नहीं दी है, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। फलयतबव्वा मक़ादहु मिनन नार, उसका ठिकाना ही जहन्नम। पहली चीज क्या है, कलमा इस्लाम के, और जिसने ये कलमा समझ लिया, बाकी आगे चीजें जो आ रही है वो उसी की मैं समझता हूं कि ये एक इजमाली बयान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी तफसील ये आगे आ रही है उसकी तफसील, क्योंकि नमाज रोजे जकात और हज का जो जिक्र आ रहा है वो कलमे के बाद, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें उसी तरीके से ये इबादतें करना है जिस तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताई। फरमाया तुकीम अस्सला, उसके बाद में दूसरी चीज यह कि तुम नमाज कायम करो। वतूतिय ज़का, तीसरी चीज यह कि तुम ज़कात अदा करो। वतसूम रमजान, चौथी चीज यह कि तुम रमजान के रोजे रखो। और पांचवी चीज यह कि तुम खाने काबा की ज्यारत करो, हज करने के लिए जाओ। इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की इस्तताअत है तो। ये नमाज है, कैसे पढ़ोगे? इस्लाम की तारीफ तो यह कर दी अल्लाह के नबी ने, अब आया नमाज पढ़ो। तो कीम असला, नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं। पढ़ना तो वो भी शक्ल होती है कि पांचों टाइम की एक साथ पढ़ लो, एक एक महीने की एक साथ पढ़ लो, और हमारे कुछ लोग ऐसा करते भी हैं और बाकायदा उनके मजहब व मसलक में वो चीज जायज भी है। शरीयत ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि नमाज कायम करने का। और नमाज का कयाम क्या, इन सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबा मौकूता, हर नमाज अपने वक्त पर मोमिनों पर फर्ज की गई है। सफर में आप हैं या बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जुहर और आसर एक साथ जमा कर सकते हैं, जमा बैन सलातैन। जुहर को लेट कर दीजिए, आसर को पहले ले लीजिए और दो नमाजें मिला लीजिए, मगरिब लेट कर दीजिए, ईशा को थोड़ा जल्दी कर लीजिए और मगरिब ईशा एक साथ मिला सकते हैं। ये भी आपको जरूरत के तहत सफर में या बारिश वगैरह हो रही हो, मस्जिद में हर नमाज के लिए जाना मुश्किल हो तब आप ऐसा कर सकते हैं, या जंग हो रही हो
ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद फजर की नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाएगी। फजर को जोहर के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि ईशा ही में हम नमाज पढ़ लें, पैदाइश से पहले अकीका जायज नहीं है, शादी से पहले वलीमा जायज नहीं है, वो वक्त अपने वक्त पर नमाज पढ़ी जाएगी। जितनी इजाजत शरीयत ने हमें दी है और जिस वक्त दी है उन हालात में हमारे लिए वो चीज जायज है। नमाज कैसे पढ़ो, अल्लाह के नबी खुद ही फरमा गए, सल्लू कमा राय तुमो न्यू सल्ली, ओ लोगो तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ना जिस तरीके से तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। एक सहाबी हैं, अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, 11 आदमी उनके पास बैठे हुए हैं और कहते हैं मैं तुम में सबसे ज्यादा नबी अकरम की नमाज जानता हूं। लोगों ने कहा पढ़ के बताओ, उन्होंने अल्लाहू अकबर कहकर सीने पे नियत बांधी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, कोई सूरत दोनों हाथों को कांधे या कानों की लौ तक उठाया, रफुलदैन किया, रफुलदैन करते हुए रुकू में गए, दुआ पढ़ी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रफुलदैन करते हुए उठे, फिर उसके बाद में दूसरी रकात के बाद तीसरी रकात के लिए उठे तो रफुलदैन किया, और आखिरी रकात में पैर को बाहर निकाला, उंगलियां किबले की तरफ की, और पूरी दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेरा, अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। और ये सहाबी कह रहे हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा नबी की नमाज को सबसे ज्यादा जानता हूं। और जब उन्होंने इस तरीके से नमाज पढ़ी और उसके बाद में सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो दसों हाजरीन जो वहां बैठे हुए थे वो चीख पड़े, अरे मेरे दोस्त अल्लाह की कसम तुमसे ज्यादा बेहतर नबी की नमाज को कोई दूसरा पढ़कर नहीं दिखा पाएगा। यानी तुमने नबी को नमाज पढ़ते हुए जिस हाल में देखा है बिल्कुल तुमने उसी तरीके से बयान कर दिया है, हम भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी नीचे नियत बांधना शुरू कर दिए थे, या आमीन मनसूख हो गई, रबुल दैन मनसूख हो गया, सहाबी का यह वाकया नबी के इंतकाल के बाद का है और दसों सहाबा की शहादत है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा है, अल्लाह के नबी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, दस दस सहाबा की मोहर लगी हुई है। तुकीम अस्सलाह, नमाज कायम करो और नमाज वैसे पढ़ो, और देखिए नमाज छोड़िए वो सारे मसले, मौली साहब फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना इमाम की इक्तिदा के साथ जायज है या नहीं, बड़ा अजीब अजीब मसले हैं। अरे क्यों कैद लगा रहे हो इतनी, इसमें कई मसले उठते हैं। पहला मसला यह कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है या ना जायज, पहली शिक है उस सवाल की। दूसरी शिक यह कि फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज है या ना जायज, पहला फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है या ना जायज, दूसरी शिक फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज है या ना जायज, तीसरी शिक फर्ज नमाज के बाद इमाम की इख्तिदा में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज है या ना जायज। समझ रहे हैं, ये लंबे चौड़े सवालात करने की क्या जरूरत है। फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना दुआ करना जायज है, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ करना भी जायज है, हमें इन दोनों शिकों से कोई एतराज नहीं है, जो उठाकर मांगना चाहे मांग सकता है, हमें एतराज सिर्फ इस बात पर है कि फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर इमाम की इब्तिदा में, इमाम जब दुआ करे और हम लोग आमीन आमीन बोलें, और इमाम जब चेहरे पे हाथ फेरे तब हम लोग चेहरे पे हाथ फेरें, और इसको हर फर्ज नमाज का जुज तसव्वुर कर लिया जाए कि इसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, हमको सिर्फ एतराज इस दुआ पर है जिसको हम बिदात करार देते हैं। ये नमाज का हिस्सा नहीं है। तहरीम हत तकबीर व तहलील हत तस्लीम, ये है हदीस। तहरीम हत तकबीर, नमाज को तकबीर हराम कर देती है। क्या मतलब तकबीर, अल्लाह अकबर, अब सारी चीजें हराम हो गई, जो अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधा हमने, उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना बातचीत गुफ्तगू, ये सारी चीजें अब हमारे लिए हराम हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। वह तहलील हत तस्लीम, और ये सारी चीजें हलाल कब होंगी, सलाम फेरो, तहलील हत तस्लीम, सलाम फेरा, ये सारी चीजें हलाल। यानी
سلام ان چیزوں کو حلال کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, ساری چیزیں حلال. یعنی دعا نماز کا حصہ ہوتی تو ضرور یاد تھا کہ اب دعا تحلیل حد دعا اس کو دعا حلال کر دیتی ہے, لیکن دعا کا لفظ نہیں سلام کا لفظ آیا. یہ سلام کا لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلام پھرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, یا بندے کا پرسنل معاملہ, وہ چاہے تو ایک گھنٹہ مانگے, وہ چاہے نہ مانگے. اور وہ نماز میں ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے نہیں مانگی؟ اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق, اے اللہ میرے ان گناہوں کو دور کر دے, جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان رکھی ہے اتنی دور کر دے. پھر کہہ رہا ہے ہمارے ان گناہوں کو دھو دے, بالماء والثلج والبرد, برف سے, اولوں سے, پانی سے دھل دے ہمارے ان گناہوں کو. آپ فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں, کیا مانگیں گے دعا؟ یہی سب تو دعا کرو گے, اللہ میں گناہگار ہوں میرے گناہ معاف فرما دے, اللہ میں گمراہ ہوں مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے, اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے. ارے یہی ساری چیزیں تو تم کہو گے, یہی چیزیں تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جس کو تم نے ابھی عربی میں پڑھی تھی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے وہ لوگ جنہوں نے عربی میں نماز میں عربی میں دعا نہ مانگی ہو, ان کو ضرورت پڑی ہو, وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے جنہوں نے دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی نہ پڑھا ہو. ان کو ضرورت پڑی اردو میں مانگنے کی, انہوں نے نبی اکرم کی دعا پر اعتماد نہ کیا, بھروسہ نہ کیا, اس لیے ان کو ضرورت پڑی بعد میں اردو کے جملے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو ساری چیزیں وہ مانگی جو نبی اکرم نے بتائی. ایک چیز یہ ہوتی ہے اے اللہ میرے باپ بوڑھے ہیں ان پر رحم فرما, اللہ نے کہا نہیں نہیں, اپنے باپ کے لیے دعا وہ مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے والدین پر میرے ماں اور باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اوروں کی دعائیں اپنے الفاظوں میں مانگو, باپ کے لیے دعا میری سکھائی ہوئی دعا مانگو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے باپ پر ایسے ہی رحم فرما میری ماں اور باپ پر جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اللہ دعا سکھلا رہا ہے, اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی ہے نماز میں. یہ دعائیں جو نبی نے بتائی ہیں یہ اللہ کے بتانے کے بعد بتائی ہیں, اور ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو نہ پڑھیں اور اپنی طرف سے دعا مانگے, وہ کتنا نالائق بندہ ہے میرے بھائیو جو اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا نہیں مانگتا. اسی لیے کہا اسلام کیا وہ تقی مسئلہ, نماز قائم کرو اور نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کو ضرورت آج پیش آئی اور وہ نماز میں نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں, مانگو اکیلے جتنی دعا مانگنا ہے. اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے, اللہ کہیں میری عزت کو وہ مٹی میں نہ ملا دے, مجھے کوئی دیندار نیک لڑکا عطا فرما دے, اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دے, اللہ میری بیٹی کے کو خیریت کے ساتھ مجھے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. مانگو دعا, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ امام کے ساتھ مانگے, امام کو کیا معلوم کہ تجھے کون سی ضرورت ہے. امام بیچارہ اپنی ضرورت مانگ رہا ہے, پوری دعا کر رہا ہے اور تم آمین آمین بول رہے ہو. امام بیچارہ کنوارا, اللہ مجھے نیک بیوی نیک عورت عطا فرما, آپ کہہ رہے ہیں آمین, فائدہ تو امام کا ہو رہا ہے, آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ تو اس امام کا ہے, آپ کا کیا ہے؟ ارے آپ کے پرسنل معاملات ہیں اپنے رب سے, گڑ گڑاؤ رو. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ امام کو بھی نہیں بتا سکتے ہو. ایک آدمی عیاش ہے, بہت زیادہ عیش میں اس نے اپنی زندگی گزاری, اللہ نے اس کو ایڈز کا مریض بنا دیا, اب وہ نہیں اللہ فلاں کو ایڈس ہو گیا اس کو شفا دے, نہیں کہہ سکتا ہے. آج اس کی اس بیماری کو اس علیم و خبیر و لطیف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, آج وہ گل گلاتا ہے, رو رو کر کہہ سکتا اللہ میری بیماری کو تو جانتا ہے, کوئی بندہ نہیں جانتا. اللہ میں آج اپنی عاجزی اور انکساری سے میں تیرے سامنے دست دراز کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں, تو مجھے شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما. ہوتی ہے کچھ پرسنل چیزیں جو آدمی اپنی انسان کو اور اپنے عالم کو اور اپنے امام کو نہیں بتا سکتا ہے, اس لیے بندے کا پرسنل معاملہ ہے دعا کا, بندہ جتنا مانگنا چاہے مانگے. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ اسلام ہے. وتؤتی الزکاۃ, اور زکات ادا کرو. ہاں
زکات، انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ہاں لیا جائے گا امیروں سے اور غریبوں میں، لیکن اس کی ایک حیثیت متعین کر دی ہے اس طرح، 7.5 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، کسی ایک کے نصاب کو آپ پہنچ رہے ہو، یا اتنی قیمت ہو آپ کے پاس، آپ کا پروفٹ، آپ کا مال ہو اور اس پر آپ کی ملکیت ہو اور اس پر ایک سال پورا گزر چکا ہو، تو آپ سے 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5، 1,00,000 میں 2,500 روپیہ آپ سے لیا جائے گا انکم ٹیکس، امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں دیا جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کی زکات میں نکل رہی ہوگی اور وہ روکے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ زکات نہ دینے والوں سے جہاد کرنا اسلام کی نظر میں جائز ہے، جہاد کا معاملہ بڑا چاہیے، تو یہ لیا جائے گا اور غریبوں میں دیا جائے گا۔ مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مسلمان، صرف مسلمان، اسلامی کیسٹ مرکز، سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ اپنی مال کی پوری پوری اگر زکات ادا کر دے سال میں ایک ہی بار، تو یہ جمعے کو جو روڈوں پر بھگاری نظر آتے ہیں اور سڑکوں پر جو کشکول لیے پھرتے ہیں اور عید اور بقرعید کے دن جو لائن لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک بھی مسلمان بھگاری نظر نہیں آئے اگر مسلمان صرف اپنی اسلامی طریقے کے مطابق پوری پوری زکات اگر ادا کرنے لگے۔ یہ مدرسے والوں کا احسان ہے جو تمہارے پاس چکر لگاتے ہیں، ورنہ زکات دینا یہ تم پر فرض ہے، یہ ان کا احسان ہے جو تمہارے گھر پہ آ کر وصول کرتے ہیں۔ ان کو آپ بری نظروں سے بھگاتے ہو، چلو۔ کہا اللہ کے نبی نے، جس سونے اور چاندی کو، جس مال و دولت کو تم زمین میں گاڑ گاڑ کے رکھتے ہو، قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس آدمی کے پیچھے دوڑے گا، بالآخر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن ہٹے گا نہیں، یہ اس کی گردن میں چپک جائے گا، یہ کہے گا یہ کیا معاملہ، تو کون ہے جو میری گردن سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ چیخ پڑے گا، انا کنزکا نا مالکا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو زمین میں گاڑ گاڑ کے رکھا کرتا تھا، جس کا تو بینک بیلنس بنا کر رکھا کرتا تھا، جس کو تو نے اللہ کی راہ میں زکات و خیرات میں خرچ نہیں کیا، آج میں گنجے سانپ کی شکل میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہوگا جو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اگر وہ ایک پھنکار اس روئے زمین پر مار دے تو اس کی پھنکار سے روئے زمین کی اوپر کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو۔ زکات ادا کرو، دیکھیں کتنی ہمدردی ہے اسلام کے اندر۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ فرض، سنتوں کو آپ گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، آئے لوگوں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تم اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، قبرستان کی طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے مسجد میں جائز ہے تو کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں پر اور بچیوں لڑکیوں پر زور دو کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں نوافل گھر پہ پڑھیں تاکہ شیطان اس گھر میں اپنا بسیرا نہ کر سکے۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہی ٹی وی لگی ہوئی ہے، وہی انڈیا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اور ہم ایسے شیدائی ہیں ہندوستانی فلموں کے کہ پاکستانی فلمیں نہیں انڈین فلمیں دیکھنے کے عادی۔ ایک طرف نٹ نٹنیوں کا ناچ آ رہا ہے، یہاں ہماری جوان بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے، بےہودہ اور بے حیا گانے سن رہی ہے، اور دوسرے والے روم میں ہماری بیوی جائے نماز بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے۔ تصور کیجئے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ تو پورا تصویروں کا اسٹور ٹیلی ویژن ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اللہ جانے رحمت کے فرشتوں کا کیا ہو رہا ہوگا، ہم نے تو پورا اسٹوری لا کے رکھ لیا۔ جائز طریقے پر آپ استعمال کریں، چلو کوئی چیز غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو تو وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ صاحب شراب ہم اس لیے پی لیتے ہیں کہ تھوڑا سکون مل جاتا ہے،
लेकिन वो 10 बीमारियां पैदा करती है। किसी ने पूछा हजरत उमर से क्या शराब को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकता हूं, कहने लगे अल खमरु दाउन लैसा बिदवाइन, शराब तो खुद ही एक बीमारी है, वो तुम्हारे लिए बतौर दवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो खुद एक बीमारी है। इसको अरबी में कहते हैं खमर, खमर। अल खमर का लुगवी माना होता है ढांकना, और औरतों की जो ओढ़नी होती है उसको इसीलिए खिमार कहते हैं अरबी में, खिमार। औरत जो सर को छिपाती है ओढ़नी, जो दुपट्टा दुपट्टा वगैरह ओढ़ती है उसको अरबी में खिमार कहते हैं, क्योंकि वो सर के बालों को छिपा लेती है, उसी से बनता है खमर अरबी में। इन्नमल खमरु वल मैसरु, तुम्हारे ऊपर शराब और जुआ हराम है। खमर शराब को इसीलिए कहते हैं क्योंकि शराब पीने के बाद वो अकल को छिपा देती है। शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद पड़ा है नाली में मुंह डाले हुए और कह रहा मैं इस देश का वजीर आजम हूं। शराबी शराब के नशे में धुत नाली में पड़ा है, नाली की गंदगी खा रहा है और कह रहा मैं इस मुल्क का वजीर आला हूं। शराबी की नजर में मां बहन बेटी की कोई हैसियत नहीं होती, गालियां भी देता है मां के सामने, मां को मां की गाली, बेटी को मां की गाली, बहन को मां की गाली, इसलिए कि उसकी अकल को शराब खमर इसने ढांक दिया है, इसीलिए इसको खमर कहते हैं। अरबी सकात अदा करो, कितनी हमदर्दी है। फर्ज नमाज मस्जिद में आओ, जमात के साथ कायम करो, टखनों से टखने कदम से कदम मिलेंगे तो कदूरतें दूर होंगी, नफरतें दूर होंगी। मेरे बाएं तरफ जगह है, वहां मैं जाना चाहता हूं, देख रहा हूं कि मेरा दुश्मन खड़ा है, मेरा मुखालिफ खड़ा है, हमने वहां सफ में ना खड़े होकर दाएं तरफ खड़े हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब तू उसको देख कर हटकर दाएं तरफ गया है, अब तेरी नमाज नहीं होगी, अब वहीं जाओ, वहीं खड़े हो, टखने से टखना कदम से कदम कांधे से कांधा मिलाओ। जब ये चीजें बार बार मिलेंगी तो इंसान का दिल अंदर से नर्म होगा। कितना मोहब्बत और मसावात और इंसानियत का मजहब है ये इस्लाम। ज़कात इसीलिए फर्ज की गई ताकि अमीरी और गरीबी का फर्क मिटे, रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि अमीरों को एहसास हो सके कि हम तो एक महीना भूखे और प्यासे रहे तब हमारी ये हालत है, उन गरीबों की क्या हालत होती होगी जिनके घरों में कभी चूल्हा नहीं जलता। रोजा भी इसी था, इसीलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून व तसूम रमजान। चौथी चीज रमजान का रोजा रखो, इसीलिए कहा गया रमजान का रोजा रखो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे से तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो, तुम परहेजगार बन जाओ। या अल्लाह नमाज से तकवा पैदा नहीं होता क्या, हज से तकवा पैदा नहीं होता क्या, ज़कात से तकवा पैदा नहीं होता, होता है। फिर रोजे से तकवा, हाँ जितना तकवा रोजे से इंसान के दिल में पैदा होता है उतना किसी इबादत से नहीं होता। मेरे हाथ में चीटी है, मेरे हाथ में पिस्टल है, आपकी ऊपर रखी, आपने गाड़ी रोक दी, जितना मालो निकालो। अरे भाई डर जाओ, अल्लाह देख रहा, अब चुप निकाल रहा या नहीं निकाल रहा, फौरन निकाल के दे दिया। यहां अल्लाह का डर आज हमारे दिल में नहीं आया। वही पिस्टल और टीटी रखने वाला आदमी ने आज सुबह सहरी की है, रोजे से है, दिन धाड़े डकैती डाला करता है, आज उसने सहरी खाई, रोजे से है, जोहर की अजान का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ के घर पे गया, बीवी मैके गई हुई है, कमरे में फ्रिज रखी हुई है, बाप नहीं है, मां नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, फ्रिज को खोलता है, पानी की ठंडी ठंडी बोतलें और शरबत रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, लेकिन आज उसको पी नहीं सकता पानी, शरबत रूह अफ़ज़ा दूध में घोल के इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलो मैंने कहा मेरे दोस्त पानी पी ले, ये फल फ्रूट रखे ये भी खा ले, किसी से कहूंगा नहीं, अरे चुप रहो, अरे कोई देख थोड़ी रहा है, अरे कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह की निगाह तो मुझे देख रही है। मेरे भाइयों, यही आदमी जब पिस्टल रखकर बंदूक रखकर जब किसी की दिन धारे डकैती डाल रहा था और वो कह रहा था कि अल्लाह से डर, तो ये आदमी उस वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन आज रोजे से है, रोजे ने कितना ज्यादा खौफ इसके दिल के अंदर, कितना ज्यादा तकवा इसके अंदर पैदा कर दिया। मौली साहब आपने मगरिब की नमाज कहां पढ़ी, मैंने कहा सिराते मुस्तकीम में, आपने सिराते मुस्तकीम के लोगों से पूछा क्या मौली जर्जी साहब ने नमाज पढ़ी, कि हाँ आए तो थे मगरिब में, हमने देखा है, चलो पता चल गया हमने नमाज नहीं पढ़ी, कह दिया सिराते मुस्तकीम में। लोगों ने पूछा क्या मौलाना को मस्जिद में देखा है, लोगों ने कहा नहीं वो तो नहीं दिखाई दिए, लो मेरी पोल खुल गई, नमाज की पोल खुल सकती है,
लेकिन आज मैं रोजे से था या नहीं, सहरी तो लोगों के साथ बैठ के किया, फ्रिज का ठंडा पानी मैंने गैर सब किसी की सबकी गैर मौजूदगी में मैं पी के आया हूँ, लेकिन लोग मुझे यही समझ रहे हैं कि मैं रोजे से हूँ। नमाज की पोल खुल सकती है लेकिन रोजे की पोल नहीं खुल सकती। बहुत से बेरोजगार भी रोजा इफ्तार में बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये रोजे से हैं या बेरोजे से, लेकिन आज बेरोजे बेरोजगारों की पोल नहीं खुल सकती है। इसीलिए कयामत का दिन मैदान महशर का दिन होगा, अल्लाह कहेगा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे ने नमाज पढ़ी है उसको उसका इनाम दे दो। फरिश्ते नमाज का इनाम देंगे, आए फरिश्ते अल्लाह फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे बंदे ने जकात भी तो दी है, अल्लाह कहेगा जकात का इनाम भी दे दो। अल्लाह तेरे बंदे ने हज भी तो किया है, अल्लाह कहेगा फरिश्ते जाओ मेरे बंदे को हज का इनाम भी बदला भी दे दो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे बंदे ने रोजे भी तो रखे हैं उसका इनाम भी मैं दे दूं। अल्लाह कहेगा खबरदार आए फरिश्तों रोजे का इनाम तुम ना दो। अल्लाह क्यों नमाज का इनाम तूने मुझसे दिलवाया, जकात का मुझसे दिलवाया, हज का मुझसे दिलवाया, फिर रोजे का इनाम मैं क्यों ना दूं? अल्लाह कहेगा फइन्नहू ली वनाजुजी बिही, मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा था और मैं इसका बदला दूंगा। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे अल्लाह क्या नमाज तेरे बंदे ने तेरे लिए नहीं पढ़ी, क्या जकात तेरे बंदे ने तेरे लिए न दी, क्या हज तेरे बंदे ने तेरे लिए नहीं किया, क्या सिर्फ रोजा ही तेरे लिए रखा? अल्लाह कहेगा हाँ आए फरिश्तों नमाज में गैर शरीक हो सकता था, जकात में गैर की शिरकत हो सकती थी, हज में गैर की शिरकत हो सकती थी, हाँ ये मुमकिन था कि ये जुमा जुमा इसलिए पढ़ता हो ताकि मोहल्ले वाले ये ना कहें कि देखो वो पांचों टाइम की नमाज तो छोड़ो वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। हो सकता है लोगों के डर से मस्जिद में जुमे के दिन आ जाता हो। जकात उसने इसलिए दी होता कि लोग उसको बहुत बड़ा जकात देने वाला कहें और बहुत बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कहें। हज भी हो सकता है इसलिए कर लिया हो कि लोग ये ताना न दें कि इतनी दौलतमंद और पैसे वाला हो अगर अब तक हज नहीं किया, लेकिन रोजा इसे डर से कभी मेरा बंदा नहीं रख सकता क्योंकि मेरे बंदे के पास कोई नहीं था, सारे लोग गैर हाजिर थे, फिरज की नियामतें इसके पास थी, इसको सिर्फ मेरे खौफ ने और मेरे डर ने तोड़ने से रोका है, खाने पीने की चीजों को खाने से रोका है। فَإِنَّهُ لِي وَأَنَاجُزِي بِهِ, मैं अपने बंदे को अपने हाथ से रोजे का इनाम दूंगा, रोजे का बदला दूंगा। अल्लाह के नबी से अब सहाबा कहते हैं क्या इनाम होगा, कहा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने लेकिन मुझे गुमान है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि रोजदार को क्या इनाम देगा लेकिन मुझे गुमान है कि उस वक्त अल्लाह ये कहेगा आओ आए मेरे रोजदार बंदो मेरे हाथ से इनाम लो। जब अल्लाह अपने हाथ से रोजदार बंदे को एक एक करके बुला के इनाम देगा उस वक्त बंदे को इनाम जो मिलेगा वो तो कद्र होगी होगी, उस वक्त सबसे बड़ी नियामत ये होगी कि एक रोजदार बंदा डायरेक्ट उस दिन अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह सुभान व तआला का दीदार करेगा। मेरे भाई उस वक्त उसकी खुशी का आलम क्या होगा। हमारे उस्ताद मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी ने किताब लिखी रहीकुल मख्तूम जो पूरे आलम इस्लामी मुकाबले में अव्वल नंबर पे आई। जब इमाम हरम ने उनको अपने हाथ से इनाम दिया उनकी खुशी का आलम क्या था, उनकी खुशी का आलम क्या था। मेरे भाई आज कोई पूरा सिंध टॉप कर ले कॉलेज में और ऐलान हो जाए कि परवेज मुशर्रफ साहब उसको अपने हाथ से इनाम देंगे तो तारीख में नाम लिख जाएगा उस लड़के की खुशी का आलम क्या होगा। ये लोग जो मामूली हैसियतों के हैं जब ये कोई इनाम देते हैं तो लड़के खुश होते हैं कि मेरी खुशी का क्या हाल है कि आज परवेज मुशर्रफ आज फला नेता फला लीडर मुझे अपने हाथ से इनाम देगा तारीख में मेरा नाम लिख जाएगा। इनके हाथों से दिए हुए इनाम पर इतना खुश होते हो उस दिन रोजदार बंदों की खुशी का आलम क्या होगा जब अल्लाह अपने हाथ से उनको इनाम से नवाजेगा, अपने हाथ से इनाम देगा उस वक्त रोजेदार बंदे की खुशी का आलम क्या होगा। और वो कफे अफसोस में मुब्तला होंगे और चीख चीख कर कहेंगे जिन्होंने दुनिया में रोजों को छोड़ा था आए काश आज का ये दिन मुझे देखना नसीब ना होता, आए काश मैं मरकर दोबारा जिंदा ना किया गया होता, या लैतनी लमूत किताबिया, आए काश कि मुझे मेरा नाम आमाल ना दिया जाता, मुझे उल्टे हाथ में मेरा नाम आमाल ना सौंपा जाता, वला मदरिमा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब को ना जानता होता, या लैतहा कानत
قاضیہ، آئے کاش کہ میری زندگی کے بعد جو موت آئی تھی وہ موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، افسوس ملے. یہ ہے اسلام، یہ اسلام کلمہ، اور کلمہ کے بعد دیکھ لیجئے آپ کیسی عبادت، نماز کیسی جیسے نبی نے پڑھی ہے، روزہ کیسا جیسے نبی نے رکھ کے بتایا ہے. ہاں ہمارے بہت سے بھائی نبی کے طریقے کے خلاف بھی روزہ رکھتے ہیں، ارے سرما مت لگانا آنکھ میں، روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے کی حالت میں مسواک مت کرنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا. سر میں تیل مت ڈالنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا. خوشبو مت سونگنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا. تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر 10 بالٹی ڈال لو پانی پہ تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا. خوشبو سونگنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر ہوا کھاتے ہو ٹہلتے ہوئے ہوا ناک کے ذریعے جا رہی تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اماں عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزے کے اندر آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا کرتی تھی، خوشبو بھی مل دیا کرتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی اور کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی حالت اعتکاف میں. آپ دھڑ اپنا مسجد نبوی میں اور اپنا سر حجرہ عائشہ میں ڈال لیا کرتے تھے، اور اماں عائشہ روزے کی حالت میں نبی کے تیل بھی لگا رہی ہیں، نبی کے بالوں میں کنگھی بھی کر رہی ہیں، نبی کی آنکھوں میں سرما بھی لگا رہی ہیں، اور نبی کے کپڑوں پر آپ عطر بھی مل رہی ہیں. ہمارے روزے اتنے کمزور نہیں کہ جھاڑو کی سینک کی طرح جب چاہو تب توڑ دو. یہ مکروہ بھی پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا، اکروہ مکروہ یہ ایک نئی ایجاد ہے. اسلام میں دو ہی چیزیں حلال یا حرام. ہمارے یہاں کچھ مولوی نئے پیدا ہوئے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو یہ مکروہ ہے. میں نے کہا یہ مکروہ ہوتا کیا ہے، بولا یار سمجھتے نہیں ہو مکروہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اگر نہ کھاؤ تو اچھا ہے اور اگر کوئی استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیڑی سگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں. ہاں فضول خرچی تو ہے. میں نے کہا اب فتوا دو مفتی صاحب. بولا کیا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ؟ کیا یار بات. میں نے کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ کہہ رہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے. اب آپ بتائیے ہمیں جب کھلا ہوا دشمن اور اس کا بھائی بننا ہمارے لیے مکروہ ہے کیا؟ بولا نہیں حرام ہے. تو ہم نے کہا پھر بیڑی سگریٹ کیا ہوئی؟ بولا چپ رہو یار تم لوگ جانے کیا کہتے رہتے ہو. میں نے کہا آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہیں سے فتوا دینے کی؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ اکرو مکرو دھکرو پیچ میں پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا. یہ ہے اسلام ان کا. روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو غذا کا کام اور طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں برش بھی کیا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت عورت نمک چکھنے کے بعد، ہانڈی چکھنے کے بعد اس کو تھوک بھی سکتی ہے ضرورت کے تحت. یہ ساری چیزیں جائز ہیں. روزے کو اتنا کمزور نہ بناؤ. اللہ کے نبی روزے کی حالت میں پوچھنا لگوایا کرتے تھے، فاسد خون کہیں جمع ہوتا تھا اس کو سینگی کے ذریعے پائپ کے ذریعے کھینچ لیا جاتا تھا، وہ خراب اور فاسد خون نکلوایا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی نے خود پوچھنا لگوایا. اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں خود بخود اگر احتلام ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں. روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گا، روزے کے اوپر کوئی نقص و نقصان نہیں پڑے گا. میرے بھائیو روزوں کو اتنا کمزور نہ بناؤ. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق روزے رکھو جیسے آپ نے رکھنے کا طریقہ بتایا.
और हाँ ये भी कहा लैसा मिन अल्लाह के नबी ने कम मिन सोइमिन लैसा लहू मिन सियामी इल्ला जो व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन कयामी इल्ला सहर। बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, सुबह सहरी करते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, लेकिन उनको सिवाय भूखा मरने के कुछ नहीं मिलता। और बहुत से शब्बेदारी करने वाले, रात जागने वाले ऐसे हैं कि जो बहुत पूरी पूरी रात जागते हैं, हालांकि उनको आंखें फोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलता। फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया जो एक महीने रोजे रखकर, एक महीने इबादत करके साल के 11 महीने फिर मस्जिदों में आने का नाम नहीं लेते। ये मकसद है सहरी में उठने का। कुछ ये है चार चीजें, पांचवी चीज हो गई वतहज्जल बैत, हज करो, वो भी इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक। सारी दुनिया का मुसलमान एक जगह इकट्ठा होता है, रंग नस्ल सारी चीजें खत्म। ला फजला लिया अरबी ये नाला जमी वला लिया जमी ये नाला अरबी। आज किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई दर्जा नहीं, किसी आजम के रहने वाले को किसी अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं। ला फजला लि अस्वदा वला अहमर अबियदा वला अस्वद। आज कोई गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। सब बराबर है अल्लाह की दरबार के दरबार में। सब कह रहे हैं लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक के ला शरीक अल्लाह नारे लगा रहे सब हैं। और अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है आए फरिश्तों आज कायनात के चप्पे चप्पे से यहां जो हज्जाज पहुंचे, जो हाजी पहुंचे हैं, ये क्या मांग रहे हैं, क्यों आए हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आज ये अपने गुनाहों का एतराफ कर रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश का सवाल कर रहे हैं और तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं। आए फरिश्तों गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के सारे गुनाहों को इस तरीके से माफ कर दिया जिस तरीके से मां के पेट से कोई बच्चे ने आज ही पैदा हुआ हो, आज ही जन्म लिया हो। जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, मैंने भी अपने बंदों के सारे गुनाहों को मिटा दिया और साफ कर दिया। लेकिन हां इस मौके पर भी अगर किसी का हक आप मार के गए हैं तो अल्लाह उस हक को माफ न करेगा जब तक कि आपका भाई आपको माफ न करे। फिर एक रिवायत सनत के एतबार से बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, मैं खुद ही बयान कर दे रहा हूं। फिर एक फरिश्ता आता है, हाँ ज़ईब तो है लेकिन हद दर्जे की नहीं, गरीब हदीस है, एक रावी ज़ईब है, हाथ रखता है सीने पर और कहता है आए हाजी अल्लाह ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर दिया है, देख तू आज गुनाहों से ऐसा धुल चुका है जैसे कोई बच्चे ने आज ही जन्म लिया हो, विलादत हुई हो, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, तेरे ऊपर भी नहीं। देख आए हाजी अपने इलाके जाने के बाद, अपने मुल्क जाने के बाद, अपने शहर जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से अपनी नेकियों को गुनाहों से न बदल लेना, यानी फिर से तू हाजी बन के जा रहा पाजी न बन जाना। कुछ लोग तो हज ही इसलिए करते हैं ताकि दाढ़ी की आड़ में शिकार किया जाए। हज कराएंगे फिर तो कुछ धोखा करें, करते तो लोग कहेंगे अरे हाजी हो गए धोखा तो नहीं करेगा। कुछ लोगों का मकसद भी यही होता है। ये इस्लाम की तारीफ अल्लाह के नबी ने की और हज भी वैसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमारे इलाके का एक आदमी हज करने गया, बेचारा नाम नहीं लूंगा, बड़ी मुबारक हस्ती है वो, उसका नाम लेने से पहले मुझे 100 मर्तबा वजू बनाना पड़ेगा, बहुत मुबारक हस्ती है वो। गया और एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ा खाने काबा में, अपने ही कमरे में पढ़ता गया और वहां जाके कह रहा है, बहुत बड़ा मौलवी माना जाता है वो अपने इलाके का, वहां जाके कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ईमान सलामत रखकर वापस चला आया, मैं अपना ईमान बचाकर चला आया। मेरे कानों में आवाज पहुंची, मैंने कहा किस मकसद से? इसने कहा मैंने छेड़ दिया, हमने कहा अपनी माँ का दूध पिया है तो जरा ये वाजे कर दे कि ईमान की सलामती क्या है। उसने फिर दूसरे दिन जलसा किया और जलसे में कहा कि मैं वहां खाने काबा तक पहुंचा और अपने कमरे में मैंने नमाज पढ़ ली, लेकिन किसी वहाबी इमाम के पीछे मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, किसी वहाबी इमाम के पीछे खाने काबा में मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, मेरा ईमान महफूज रह गया। मैंने कहा कि उस मुकद्दस जमीन पर पहुंचने के बावजूद जो आदमी उस जगह तक ना पहुंच पाया हो
आज मुझे रसूल की वो हदीस बिल्कुल सादिक और सच्ची नजर आ रही है कि आज के बाद इस मुकद्दस जगह पर किसी काफिर का कदम नहीं रखा जाएगा। यह हदीस मुझे बिल्कुल मिनवान सादिक आ गई है और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने खुद ही अपने आप को बना दिया है और बता दिया है कि हम कौन हैं। उस मुकद्दस जमीन पर पहुंचने के बावजूद जो आदमी खाने काबा जहां एक रकात पढ़ने का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर हो, मेरे भाइयों अगर उसको उस जगह पर नमाज पढ़ना नसीब ना हुआ हो तो ये ईमान बचा के आया या ईमान लुटा के आया ये तो वही सोच सकता है। इसीलिए कहा कि हर वो काम लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना जिस पर रसूल की मोहर हो। यहां अल्लाह ने क्या कहा, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, देखिए अरबी की इबारत यह है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह अरबी जबान में खबर मुब्तदा पहले खबर बाद में होती है, लेकिन यहां फी रसूलिल्लाह रसूल हर्फ मुजाफ अल्लाह मुजाफ इलैह मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर मुकद्दम है, खबर पहले है उसवतुन हसना मुब्तदा बाद में है, मुब्तदा बाद में है, जबकि मुब्तदा पहले होना चाहिए था और खबर बाद में, यानी यह होना चाहिए था उसवतुन हसनतुन फी रसूलिल्लाह, एक आइडियल है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, लेकिन जब खबर पहले आ जाए तो उसका तर्जमा यह होता है फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ रसूल की जिंदगी ही नमूना है, किसी और की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, ना इमामों की ना पीरों की ना मुर्शिदों की ना मौलवियों की, किसी की जिंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना अगर किसी की जिंदगी है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि लाल आलमीन तू इस नमूने को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमने और भी लंबी हदीस पढ़ी थी लेकिन वो अभी ईमान है, फिर एहसान है, फिर कयामत है, फिर कयामत की निशानियां हैं, मैं उस तक अभी नहीं जा पाऊंगा। यह हदीस दूसरे इलाकों में मैं पूरी करूंगा। मेरे भाई अल्लाह से दुआ करो कि इस्लाम की तारीफ में जो पहला जुज पहला जुज अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सला व तूति अज़्ज़का व तसूम रमजान व तहज्जुल बैत मैंने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस्लाम का जो इंट्रोडक्शन अल्लाह के नबी ने कराया है, इलाहा आलमीन तू हमें नबी अकरम के लाए हुए इस्लाम पर पूरी तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को भी उससे नवाज दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा और जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उनको करवट करवट चैन और सुकून राहत नसीब फरमा। उनकी कब्रों को तू नूर से भर दे। हम जब तक जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।